हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अनियन ऑयल हम घर पे कैसे बना सकते हैं। अनियन ऑयल हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। जिनको बाल झड़ने की समस्या होती है तो उसके लिए अनियन ऑयल बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अनियन ऑयल को रेगुलर यूज़ करने से आपके बालों का झड़ना भी बंद होता है और साथ ही साथ नए बाल भी उगाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको शो करूँगी कि हमने इसे कैसे बनाया है और इसको लगाना कैसे है। सबसे पहले हमने लिया है कोकोनट ऑयल, आप कोई भी कोकोनट ऑयल ले सकते हैं। और उसके बाद मैंने लिया है एक प्याज, और ये प्याज जो है ये वाइट वाला है फ्रेंड्स, जो वाइट प्याज होता है ये वाला, इसको आपने ऐसे ही यूज़ करना है, छील के और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है, आपने लाल प्याज नहीं लेना है। उसके बाद हमने यूज़ किया है कैस्टर ऑयल, और फिर हमने यूज़ किया है विटामिन ई के 2 कैप्सूल्स। और अगर आप इवियन के विटामिन ई कैप्सूल्स यूज़ कर रहे हैं तो आप 4 कैप्सूल भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर 2 कैप्सूल लिए हैं। सबसे पहले हमने पैन में ऑयल डालना है, और यहाँ पे मैं 100 ग्राम्स के जितना ऑयल डाल रही हूँ, और ये मेरे 2 to 3 times के एप्लीकेशन के लिए इनफ है। तो यहाँ पे 100 ग्राम्स ऑफ ऑयल डाला है मैंने, और फ्लेम को ऑन कर दिया है। और ऑन करने के बाद आप देखेंगे कि ये धीरे धीरे जब गर्म होना शुरू हो जाता है तो आपने फ्लेम को कम कर देना है, सिम कर देना है। और उसके बाद हमने इसमें कटा हुआ प्याज डालना है, और फ्रेंड्स प्याज डालने के बाद आपने इसको सिम पे ही रखना है, 5 से 10 मिनट इसे चलाना है, और हमने इसे कम आँच पे ही बनाना है। और ये थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन आपने तेज आँच पे इसको नहीं बनाना है, और इसको आपने तब तक बनाना है जब तक ये डार्क ब्राउन कलर का नहीं हो जाता है। मीन्स ये काला नहीं होना चाहिए, जलना नहीं चाहिए प्याज, और आपका जो आँच है वो भी तेज नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम बात करते हैं अनियन की। अनियन में बहुत ज़्यादा मात्रा में सल्फ़र पाया जाता है, और जो वाइट अनियन होता है उसमें सल्फ़र की मात्रा रेड अनियन के मुकाबले ज़्यादा होती है। अनियन में सल्फ़र होने की वजह से ही हमारे बालों को जड़ों से मजबूत करता है और हमारे सिर पे नए बाल भी उगाता है। अनियन ऑयल एक बहुत ही अच्छा विकल्प है जिनको बालों की समस्या होती है, बाल झड़ने की समस्या होती है, क्योंकि गर्मी में जब हमें पसीना आता है हमारी रूट्स कमज़ोर हो जाती हैं और उस कारण हमारे बाल झड़ने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, उसको मेंटेन करने के लिए हमें अनियन ऑयल वीक में कम से कम 2 बार लगाना चाहिए, और अगर बहुत ज़्यादा आपको समस्या है तो आप इसे डेली भी लगा सकते हैं। और डेली लगाने का ये मतलब नहीं है कि आप नेक्स्ट डे हेड को वॉश करेंगे, आप इसको लगा के रख भी सकते हैं अगर आपको अनियन की स्मेल बियरेबल है। हेड लगाने के बाद आप इसको माइल्ड शैम्पू से ही वॉश किया करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब ये डार्क ब्राउन कलर के हो गए हैं, और इसको हमने अब बंद कर देना है, और बंद करने के बाद इसको साइड में रख देंगे ऑयल को ठंडा होने के लिए। और आप देख सकते हैं ये अच्छे से ठंडा हो चुका है, और ठंडा होने के बाद इसको हमने छान लेना है स्ट्रेनर की हेल्प से। और स्ट्रेनर की हेल्प से जब हम इसको छानेंगे तो अच्छे से हमने इसको निकालना है, या फिर आप चीज़ क्लॉथ भी यूज़ कर सकते हैं इसको स्ट्रेन करने के लिए, ताकि ईजिली ये आपका स्ट्रेन हो जाए। तो उसके बाद हमने इसमें डाला है कैस्टर ऑयल। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं 2 चम्मच कैस्टर ऑयल डाल रही हूँ, और कैस्टर ऑयल भी बहुत ज़्यादा अच्छी भूमिका निभाता है आपके बालों की ग्रोथ के लिए। तो हेयर ग्रोथ के लिए हमने बहुत अच्छा जो इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं इस ऑयल में, सबसे पहला हमने अनियन यूज़ किया है, और दूसरा हमने यूज़ किया है कैस्टर ऑयल। तो फ्रेंड्स, ये जो ऑयल हमने बनाया है ये बहुत अच्छा ऑयल बना है। इसके बाद मैंने यूज़ किया है यहाँ पे विटामिन ई ऑयल, और इसके कंटिन्यूस यूज़ करने से आप इसके डिफरेंस देख पाएंगे, इसके जो रिजल्ट्स हैं वो विजिबल होंगे आपको। और अनियन मास्क और अनियन ऑयल पहले भी बनाया हुआ है मेरे चैनल पे, और आप उसको चेक कर सकते हैं, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो आगे मिलते हैं अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।